तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बूस्ट वाले छत पंखे में बेयरिंग कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पंखा है जो कि पुराना है, इसके अंदर बूस्ट नीचे लगता है और ऊपर बेयरिंग लगता है। यहाँ पे आप इस पंखे को ध्यान से देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे बूस्ट है और जो ये बूस्ट है वो ख़राब हो चुका है और जो बेयरिंग है वो ऊपर लगता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेयरिंग को तो हम बदल सकते हैं, परंतु यहाँ पे ये जो बूस्ट होता है वो मार्केट में हमें आसानी से नहीं मिलता क्योंकि ये काफ़ी पुराना पंखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छाल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है, जिससे कि ये जो पंखा है वो चलता नहीं है। वो यहाँ पे इसका मैग्नेट है वो चिपक जाता है। तो यहाँ पे इसका जो बूस्ट है वो मार्केट से नहीं मिलता, तो यहाँ पे हमें इस बूस्ट की जगह बेयरिंग लगाना है। तो बेयरिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस बूस्ट को निकालना होता है। तो बूस्ट को आप अपना जो बेयरिंग कूलर होता है उसकी सहायता से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको तोड़कर भी निकाल सकते हैं, या फिर लेट मशीन पर जाकर आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस प्रकार से निकालूँ, इसी प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको इस प्रकार से घुमाकर आप अपना जो बेयरिंग कूलर है उसको इस प्रकार से घुमाकर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये बूस्ट निकल जाए तो सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है। यदि बूस्ट मिल जाए तो आप बूस्ट ला सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो बूस्ट है वो नहीं मिलता, तो यहाँ पे बेयरिंग हम लगा सकते हैं। तो बेयरिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट जाना है और इस साइज़ का आपको बेयरिंग लाना है। तो बेयरिंग लाने के लिए आपको नीचे का ढक्कन और ऊपर का जो स्टेट है दोनों को साथ में लेके जाना है ताकि आपको इस साइज़ का बेयरिंग मिल जाए। तो यहाँ पे मार्केट से मुझे मिल चुका है, फिर मैंने लेट मशीन पर जाकर यहाँ पे ये जो ढक्कन है उस पर कट भी लगा लिया ताकि ये जो बेयरिंग है उसके अंदर आराम से आए। और साथ में आप इस सांप के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये सही से आ रहा है, मतलब हमारा जो बेयरिंग है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेयरिंग सेट हो जाए तो फिर आप अपने को पंखे को फिट भी कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।